अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। हकीकत टीवी ऑफिशियल की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मोदी ज़मीन अब खेल आपको अगले चंद दिनों में दिलचस्प मराहल में दाखिल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख भारत के हाथ से निकलने वाला है। चीन ने ऐसी डेवलपमेंट कर दी जिसको देखने के बाद हम मुकम्मल तौर पर यह कह सकते हैं कि अब फ्यूचर में कश्मीर और लद्दाख के ऊपर मुकम्मल तौर पर चीन का पाकिस्तान के साथ मिलकर कंट्रोल हासिल होगा। लद्दाख के अंदर अब मुकम्मल तौर पर मिलिट्री बेसिस और फौजी बेसिस बनाने का चीन की जानिब से फैसला सामने आ गया है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त भारत के मुकम्मल तौर पर गले से चीन ने हाथ रखा हुआ है, गला दबोच लिया गया है। कश्मीर और लद्दाख भारत के हाथ से फ्यूचर में निकलने वाला है, क्योंकि चाइना अगर लद्दाख के अंदर मिलिट्री बेसिस और फौजी बेसिस बनाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाते हैं तो मोदी डॉक्ट्राइन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और याद रहे कि फ्यूचर में जब पाकिस्तान चीन की फौजें मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर उतरेंगी और अगर लद्दाख के अंदर फौजी बेसेस और इनके मिलिट्री बेसेस होंगे तो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान और चीन को इसकी मदद हासिल होगी। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और मकबूजा वादी मुकम्मल तौर पर फ्यूचर में भारत के हाथ से आप निकलते हुए देखेंगे। इस वक्त सूरत हाल मोदी के हाथ से यकसां तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। मोदी करने की कुछ और कोशिश कर रहा लेकिन हो कुछ और रहा है। इस वक्त चीन मोदी के लिए वो गले की हड्डी बन चुका है, ना जो ऊपर जा रहा और ना ही नीचे। इस वक्त चीन के फैसले भारत को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।